नमस्कार। भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता है, ये बात हम सभी जानते हैं। आज मैं आप सबको उसी स्वर्ण युग के एक ऐसे अनमोल रत्न के बारे में बताने वाला हूँ जो अभी भी इस समय मौजूद है। बात उस समय की है जब कानपुर को कोहना विलेज के नाम से जाना जाता था। कानपुर से मात्र 30 से 32 किलोमीटर की दूरी पर बसा है ये अनमोल रत्न। हम बात कर रहे हैं द वन एंड ओनली इंडियाज लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल के बारे में। इस टेम्पल का नाम है द भीतरगांव टेम्पल। 1877 में अलेक्जेंडर कनिंगम को इस मंदिर के बारे में पता चला। अलेक्जेंडर कनिंगम ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेयर थे। अलेक्जेंडर कनिंगम को जब उस जगह के बारे में पता चला तो वहाँ पे गए और उन्होंने उस जगह का पूरा मुआयना किया। उन्होंने पाया कि इतने महत्वपूर्ण और प्राचीन चीज़ों को लोग कैसे खंडहर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने उस समय गवर्नमेंट के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हम इसे दोबारा से रिपेयर कर सकते हैं। उन्होंने एक बजट बनाया और गवर्नमेंट के सामने पेश किया, लेकिन उसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार खारिज कर दिया गया। अलेक्जेंडर कनिंगम का कहना था कि ये मंदिर जो है लगभग 1500 से 1600 साल पुराना है। उनका कहना था कि यह मंदिर गुप्ताज पीरियड का बना। बहुत से हिस्टोरियंस का मानना था कि रोम कोलोजियम के 400 साल बाद द भीतरगांव टेम्पल बना। विदेशो टेम्पल तंजावुर का जो इस मंदिर के 500 साल बाद बना है, इसके ऊपर भी मैंने एक ऑफिशियल वीडियो बना रखा, आप जाके मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। कुतुब मीनार जो है वो द भीतरगांव टेम्पल से 700 साल बाद बना है, और अपना ताजमहल, लाल किला, ये सब चीज़ें तो आई थिंक 12 से 13 साल बाद बनी है। सभी चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि ये मंदिर कितना ज़्यादा पुराना है और ये अभी भी मौजूद है, तो ये बहुत अच्छी बात है। 1905 में दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया। इसके कुछ ब्रिक्स आसपास के एरिया में जो बिखरे हुए थे उन्हें मोहम्मद जाकिर जो कि एक हिस्टोरियन है, उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी रिसर्च भी किए हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में 149 टेराकोटा पैनल्स आइडेंटिफाई किया है। द भीतरगांव टेम्पल में 129 टेराकोटा पैनल्स हैं और बाकी के जो बचे हैं वो आपको म्यूजियम में मिल जाएंगे। भीतरगांव टेम्पल जो है वो एक प्राइवेट टेम्पल है, ना वो किसी भगवान के बारे में बात करता है और ना ही वो किसी धर्म के बारे में बात करता है, और यही रीज़न था कि ये लोगों की नज़र में ज़्यादा नहीं था। और पहली बार जब अलेक्जेंडर कनिंगम के नज़र में आया तो उन्होंने इस पर रिसर्च के मन में आया होगा ये क्वेश्चन कि ये चीज़ स्वर्ण युग से कैसे रिलेटेड है। तो दरअसल ये मंदिर जो है गुप्ता पीरियड का बना हुआ है, और उस समय के जो राजा थे वो किसी भी पार्टिकुलर भगवान, किसी भी पार्टिकुलर धर्म को नहीं मानते थे, वो सर्वधर्म में बिलीव करते थे। यही रीज़न है कि उस पूरे पीरियड को द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। अगर आप अभी कानपुर जाते हैं तो आप हूबहू उसी जगह पे द भीतरगांव टेम्पल को अच्छे से देख सकते हैं। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ एक बार वहाँ विजिट करें और अपने एंशियंट या फिर प्राचीन चीज़ों का वैल्यू हम उसी प्रकार रखें जैसे हमारे पूर्वज या फिर हमारे प्राचीन लोग करते आए हैं। तो ये था द भीतरगांव टेम्पल का हिस्ट्री और उससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब आपसे मुलाकात होगी एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।